तो ब्रेक के बाद बात अब श्योपुर जिले की करेंगे, जहां के विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों जमकर लूट हो रही है। 3 वर्ष से पदस्थ सिक्योरिटी गार्ड सुग्रीव जाटव को नौकरी से निकाल दिया गया। उसका आरोप ये था कि वह रिश्वत के तौर पर बीएमओ को 20,000 रुपए नहीं दे सका। हालांकि 5,000 रुपए देकर उसने कुछ दिनों तक अपनी नौकरी बचाने में सफल रहा, लेकिन शेष राशि नहीं मिलने से बीएमओ ने सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। बोला था कि तुम यहाँ से जाने वाले हो और तुम मेरे लिए 20,000 की व्यवस्था करो। मैंने सर, मैं गरीब आर्मी सुरक्षा में वेतन भी नहीं मिलता, तो इन्होंने कहा कुछ करो, मैं तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेम कुमार तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम कुमार, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल वर्षा, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर जिले की बीजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों जमकर लूट और घसूट चल रही है। जैसे कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनील कुमार यादव द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड तो सुग्रीव जाटव करके उसको उससे 20,000 रुपए की पहले से डिमांड की गई, अगर उसने 20,000 रुपए नहीं दिए तुमने तो तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा। जब तक उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे और 15,000 रुपए की बोला कि मैं कर दूंगा सर एक दो दिन में, तो 15,000 रुपए नहीं दिए तो नौकरी से उसको बाहर कर दिया। जी लेकिन हेम कुमार, इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड ने शिकायत नहीं की? आखिर 5,000 रुपए भी नहीं देना चाहिए था और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले में शिकायत करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, एसडीएम बीजापुर को आवेदनी शिकायत किया है, 181 पर शिकायत किया है, सीएमएचओ को भी फोन पर उसने शिकायत किया है, लेकिन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सुग्रीव जाटव जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी थाने में कंप्लेंट करा दी गई थी कि उधम करता है, ऐसा करता है। उसके बाद में उसने 5,000 रुपए दे भी दिए, उसके बाद माफीनामा भी दे दिया, फिर 15,000 रुपए ना देने की बात को लेकर सुग्रीव जाटव सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से बाहर कर दिया गया। जी तो ये पूरा ही मामला पहले जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है उसके खिलाफ पहले पूरा माहौल बनाया गया और उसके बाद फिर उस पर रिश्वत की मांग की गई। जी जी तो इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है कि परेशान करता है और इस तरह से? जी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाने में, थाने वालों को थाना प्रभारी ने आवेदन तो ले लिया है। हेम कुमार, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बीएमओ सुनील जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू मैम। सुनील जी, आखिर क्या कुछ वजह है सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया है आपने? मैम इसकी अनियमितताएं थी। जी मुझसे फॉर्मर बीएमओ थे डॉक्टर ओपी वर्मा, उन्होंने भी उसे निकाल दिया था, लेकिन उस समय माफी मांग के ये लगा रहा जी। लेकिन इसकी इसके क्रियाकलापों में कोई चेंज नहीं आया, इसके बाद इसको चेतावनी पत्र जारी लेकिन किया गया। आरोप तो आप पे ये लगाया जा रहा है कि आपने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और 5,000 रुपए आपको दे भी दिए और 15,000 रुपए नहीं दिए गए तो आपने नौकरी से निकाल दिया? नहीं मैडम, ये झूठ है। उसने तो ये भी आरोप लगाया था मेरे पर, उसी समय धमकी दी थी जी। इस तरह के आरोप लगाएंगे, मैंने पुलिस को अपनी सूचना बुला के दी जी। ये 10 तारीख की बात है जी। लेकिन आरोप तो अब आप पे लगाया जा रहा है, तो अब इसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहेगा? आपने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? आपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित मैं पहले ही कर चुका हूँ इस बारे में जी। लिखित में सूचना दे दी है, एसडीएम साहब को बता दिया है, सीएमएचओ सर को बता दिया है, है ना, थाने में 10 तारीख को ही दे दी गई थी जी। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड सुग्रीव जाटव जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुग्रीव जी, क्या परेशानी है आपकी, क्यों आपको नौकरी से निकाला गया? तो सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी देखिए, अब आरोप तो आप पे लगाया गया है, अब इसको लेकर किस तरह से आप बचाव करेंगे, क्योंकि नौकरी से तो निकाले गए हैं तो वैसे में आरोप भी लगाए जाएंगे और चूंकि 5,000 रुपए रिश्वत भी दी गई है, कहना सीधा सीधा है उनका ये झूठ है, आप सिरे से जांच कर लीजिए जी। मुझे किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं दी गई है जी। उनका क्रियाकलाप पैसे मांगते थे अपनी ड्यूटी के दौरान मरीज आए हुए मरीजों से, है ना, और इसके चक्कर में लड़ाइयां भी हुई, 181 हेल्पलाइन भी लगी जो बाद में कैंसिल की गई समझा बुझा के, है ना जी। और इसके अलावा इनको कई बार चेतावनी पत्र भी दिए गए
लेकिन जब इन्होंने नहीं समझा तब जाके कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, तो अब देखना होगा कि इस मामले में आखिर क्या कुछ कार्रवाई होगी। जी समस्त गतिविधियों के बारे में अब ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी, और अब ये भी देखना अहम हो जाएगा कि आखिर सच कौन बोल रहा है। बहुत शुक्रिया।